मैंने कहा था ना, आज चाहे जो हो जाए मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हैप्पी बर्थडे विक्की। हाय हाय, तुम विक्की कहती हो ना? और क्या क्या अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है तुम्हारा ये पागलपन। वैसे याद है ना तुम बहुत सारी बातें, जैसे हम करते थे हमने मस्ती करती थी। बेल बजी है क्या? तुम बेल बजी है, उठो। हाँ तो खोल दो ना, दूध वाला होगा। अरे दूध के साथ वो लेटर भी तो होगा। 5 दिन से लगातार कोई अजीब से लेटर भेज रहा है। अब हमें इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मुझे बहुत डर लगने लगा है प्रथम, उठो। अरे यार मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये किसी बच्चे की शरारत है और कुछ भी नहीं है। अपने आप आना बंद हो जाएंगे लेटर। अब जाओ जाकर देखो, हो सकता है आज लेटर ही ना आया हो। और प्लीज अब मुझे सोने दो। ये देखो, मैं कह रही थी ना ये मामला सीरियस है। याद रखना, 8 दिन बाद अगर ये किसी बच्चे की शरारत हो तो 1-2 दिन के बाद में लेटर्स आने बंद हो जाते। लेकिन कोई बार बार बकायदा हमें लेटर्स भेज रहा है, वो भी लाल रंग से लिख के। मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुझे अश्मित की चिंता हो रही है। हमें हमें कुछ करना पड़ेगा प्रथम। देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाकी के खत कहाँ हैं? हाँ मैं लाती हूँ। ये देखो, ये लेटर्स देखो। इन लेटर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 13 जुलाई। आखिर क्या होने वाला 13 जुलाई को? कुछ होने वाला नहीं है, वो कुछ करने वाला है। और इसी बात की धमकी वो बार बार हमें लेटर्स में दे रहा है। तुम कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाय विक्की। हे, क्या कर रही हो? एक आज्ञाकारी वाइफ और सुशील बहू होने की बोरिंग ड्यूटी कर रही। सच कहो, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम जल्दी से आ जाओ ना। इसीलिए तो इतनी सुबह सुबह फोन किया तुम्हें। आ रहा हूँ मैं। सच?
सच? यस। अरे बहू, मेरे लिए पानी गर्म कर देना सिकाई के लिए। हाँ माँ जी, बस ला रही हूँ। एक तो इन्होंने नाक में दम करके रखा है, पूरा दिन गर्म पानी मांगती रहती है सिकाई के लिए। तुम चिंता मत करो, इस मुसीबत से निपटने का इलाज है मेरे पास। अच्छा, तो फिर जल्दी से आ जाओ, देर किस बात की? बस समझो कि पहुंच ही रहा हूं। अश्मित, ये अपना दूध पी लो जल्दी से। मम्मा दूध नहीं पीना, मैंगो शेक चाहिए। बच्चा कल पक्का बना दूंगी, अभी दूध पी लो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी जल्दी पी लो। दादी गरम पानी। बहू, क्या आज भी वो खत आया था? जी दादी, आज भी वो खत आया है। ये आपकी चाय, मैं इनको चाय देकर आती हूँ। प्रथम, चलो उठो, लेट हो गया है, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो रही है। अरे उठो ना। अरे यार, कभी तो सुकून से सोने दिया करो, रोज सुबह उठते ही भागम भाग मचा देते। हाँ, मुझे ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो ये जॉब और मेरे साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ज्वाइन कर लो। घर के खर्चे रेगुलर काम से चलते हैं, और ऐसी जॉब का क्या फायदा जो आज है और कल नहीं। ये सारे खर्चे हैं, अश्मित की स्कूल फीस, बिजली का बिल, सारे खर्चे रुक जाएंगे। अश्मित की स्कूल के बस का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ, ठीक है? चलो बाय। बाय। हाँ भोला भाई, बोलो। क्या सच? भोला भाई, अगर ये डील हो गई ना तो लॉटरी लग जाएगी अपनी। ओके, मैं अभी आता हूं। देखना इस बार सर्दी में आपको उसका कितना फायदा हो। सही में बहुत जरूरत थी इसकी। अरे लो, आ गई अवंतिका। अरे विक्रम, तुम अचानक? सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। ये देखो क्या लाया विक्रम मेरे लिए। अरे वाह दादी, तो बहुत अच्छा है। वही तो, अब तुम्हारा मेरी सिकाई के लिए पानी गर्म करने का झंझट खत्म। ये तुम्हारे लिए। राइट गाउन। ये रिधिमा ने भेजा है तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने रिधिमा से कहा था कि यहाँ अच्छी क्वालिटी का नाइट गाउन नहीं मिलता है, तो वो भिजवा दे। अच्छा है ना दादी, देखो अच्छा कलर है ना। अच्छा तो है। अरे तुम, दादी आ जाएगी ना तो गजब हो जाएगा। दादी तो अपने कमरे में जाकर सो गई, वहां से वो नहीं आने वाली। विक्रम, अभी प्रथम की भी आने का टाइम हो रहा है, छोड़ो मुझे। अरे यार, मैंने दादी को उससे बात करते सुना था, वो अभी नहीं आने वाला। ना यार, तो वो सब छोड़ो। अवंतिका, प्रथम आ गया। कहा था ना
पर सफर कर। क्या हुआ प्रथम, पुलिस के पास गए थे कि नहीं? अरे नहीं, आज वो मेरे डील के चक्कर में पूरा दिन बिजी रहा। और हमेशा की तरह तुम्हारी डील भी नहीं हुई होगी। जब तक तुम्हारी डील ना हो तब तक दादी माँ को मत बताया करो, वो पूरी दुनिया में खबर फैला देती। मेरी माँ 3 बार कानपुर से फोन कर चुकी है पूछने के लिए कि प्रथम आया कि नहीं, डील हुई कि नहीं। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ? और कल तुम विक्रम के सवालों का जवाब देना। विक्रम? विक्रम आया? हाँ, थका हुआ था, खाना खाकर सो गया। और कितने दिन तक झेलना पड़ेगा उसे? तुम्हारा दोस्त है, तुम जानो। क्यों, तुम्हारा भी तो दोस्त है। कॉलेज में मुझसे ज्यादा तुम मुझसे बातें करती थी। वो तो मैं तुम्हारी ही खबर लेती थी ना। जाओ, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना ला दूं। पीछे देखो, अरे तुम्हारा दुपट्टा दरवाजे के बीच में आ गया था बस। कमाल है, इतनी छोटी सी बात पे डर जाती हो। प्रथम, ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? इतने दिनों से कोई धमकी भरे खत दे रहा है और ये सब तुम्हें छोटी सी बात लगती है? खत? कैसा खत? ये देखो। इतने दिनों से कोई हमें धमकी भरे खत भेज रहा है, प्रथम इसे सीरियसली ले ही नहीं रहा, इसे सब कुछ छोटी सी बात लगती है। याद रखना, 7 दिन बाद। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका 7 दिन बाद याद रखना? ये तो मैं प्रथम से पूछती हूँ कि पता करो कौन भेज रहा है, ये क्या चाहता है और आखिर हमें तंग क्यों कर रहा है। हाँ प्रथम बेटा, अब इस मामले को हमें और मजाक में नहीं लेना है। दादी आप फिक्र मत करो, ये जो भी है ना कल तक पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा? कैसे? सिंपल है, ये जो भी बंदा है रात को खत डाल के जाता है, बस हमें क्या करना है, हमें पूरी रात जगना है और बस ये देखना है कि वो कौन है जो एक खत डाल के जाता है, पता चल जाएगा।
सैंडविच मैंगो शेक। प्रथम वो पहलवान मिठाई वाला तुम्हें याद है ना? अरे हाँ यार, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, तो जो तुम्हारे फेवरेट रसगुल्ला थे ना वहाँ पे। अरे वाह, ये कुछ बढ़िया काम किया तुमने। वाह वाह, पुरानी यादें ताजा कर दी यार तूने। और ये सैंडविच और मैंगो शेक की फरमाइश तो अश्मित ने की होगी। बदमाश। यार तू तो यहीं रुक जा, तू यहाँ पर होता है तो कम से कम अवंतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखने को मिलती है, वरना हमारे यहाँ तो हर रोज भौचाल मचा रहता है। ये देखा, इन्हें सिर्फ शिकायत करने आता है। विक्रम से कुछ सीखो, देखो सारे काम कर लेता है वो। माँ, विक्रम मंगल तो सुपर हीरो। रात के 2 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया। बात तो ठीक है, क्या पता वो सुबह होने से पहले आ जाए। 2 बज गए हैं, अगर 2-3 घंटा रुक गए ना तो हम उसे पक्का पकड़ लेंगे। बस थोड़ी और हिम्मत की जरूरत है, बच के नहीं जाएगा। खत रखता था है? साहब कौन सा खत, कैसा खत? मैंने कोई खत पत नहीं रखा। पागल समझा मैं, झूठ क्यों बोल रहा है बता, क्यों रखता है ये? साहब मैं तो रोज दूध रखने आता हूँ, तेरे को आज भी रखा है। ये देखो, दूध की डिलीवरी करता हूँ रोज। दिख रहा है आपको कोई खत यहाँ पे? देखिए विक्रम, वो सही कह रहा है, वो हमारा दूध वाला है। भैया आई एम सॉरी, आप जाइए। चलो, दूध वाला है वो। इस खत रखने वाले को ये खबर हो गई थी कि हम इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हम तीनों के अलावा किसी को पता ही नहीं थी। विक्रम ये भी तो हो सकता है ना कि वो दूध वाले के बाद में खत डालता हो, वो दूध वाले को पिटता हुआ देख वो वहां से भाग गया। अरे यार पहले चाय पीते हैं, उसके बाद इस बारे में बैठ के आराम से बात करेंगे, दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। अरे प्रथम, तुमने दूध का पैकेट नहीं लिया? आई एम सो सॉरी, एक काम करो तुम जाकर ले आओ। ठीक। प्रथम, विक्रम जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो, ये याद रखना, 6 दिन बाद।
सिर्फ 6 दिन बचे हैं प्रथम, मेरी तो सांसें रुक रही। मैं आज ही पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जा रहा हूँ। अगर तुम बिजी हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं अवंतिका, मेरे काम से ज्यादा जरूरी ये बात है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ प्रथम। अवंतिका, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? क्या कुछ खास? खास? अरे हाँ, कल विक्रम का बर्थडे है। इन लेटर्स की टेंशन में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं उसके लिए, बेचारा बहुत करता है हमारे लिए। आप सुनो, अभी मैं ऑफिस निकलती हूँ, आती हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं भी निकल ही रहा था, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, ठीक है, चल बाय। बाय। विक्रम का बर्थडे याद है तुम्हें, लेकिन जो याद होना चाहिए था वो याद नहीं। अवंतिका, अवंतिका, कैसे चलती हो तुम? देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे इतनी भी क्या लापरवाही? शांत हो जाए, एक तो उसको चोट लगी, तो ऊपर से ऐसे बात कर रहा है। तू बीच में मत बोल विक्रम, अपने बीवी से कैसे बात करनी है मुझे पता है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, तू बुरा मान गया। क्यों बोल रहा था ऐसे ही? हाँ, हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अरे अरे एक सेकेंड, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। सुनो, आज छुट्टी ले लो, तुम ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हें चोट लगी है। चलो अंदर चल के रेस्ट कर, चल आराम से आराम से। कमाल करते हो तुम, मैं वहां दर्द से तड़प रही थी और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। विक्रम था ना तुम्हें देखने के लिए। विक्रम मेरा पति नहीं है, तुम मेरे पति हो। पर हो क्या गया तुम्हें? कैसे बिहेव कर रहे हो? बोलो ना, चुप क्यों हो? देखो अंतिका, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हारे नजदीक आए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इसीलिए विक्रम घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर उसका जाना इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? कम से कम ऑफिस ना जाने के बहाने तो नहीं बनाने पड़ेंगे। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? शादी के इतने साल हो गए, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बात शक के नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारे साथ बिहेव करता है और तुम भी खिलौना बनकर उसकी हर एक बात मान लेती हो, वो बुरा लगता है मुझे। क्या कहा तुमने? मैं उसके हाथ का खिलौना बन जाती हूँ, कुछ जो कहता है मैं राजी हो जाती हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं लूज कैरेक्टर हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना, तो मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूंगी, जा रही हूँ यहाँ से। क्या कर रही हो अवंतिका? ये क्या कर रही हो तुम? अवंतिका, अवंतिका क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं कानपुर जा रही हूँ, अपनी माँ के पास। जो कुछ भी तुमने कहा है, कि बाद हमारा रिश्ता खत्म। अवंतिका, मैं गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। अवंतिका, मैंने जो कुछ भी कहा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। आज तुम माफी मांग रहे हो, कल तुम फिर अपना कंट्रोल खो बैठोगे और तुम कहोगे तुम्हें हैबिट है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज अब तो मान जाओ।
क्या क्या सोचा था मैंने, सब कुछ खराब कर दिया। विक्रम स्पेशली हम सबसे मिलने के लिए यहाँ आता है, कल बेचारे का बर्थडे है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना तो दूर, तुम उस पर शक कर रहे हो, यही दोस्ती है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, हम 12 बजते ही विक्रम को बर्थडे विश करेंगे, ओके? ऐसे खाली खाली, अरे वो हमारे घर पर आए, हमें कुछ तो करना चाहिए ना उसके लिए, कम से कम उसके लिए केक तो लेकर आ जाओ। अरे हाँ, ये बात भी ठीक कही तुमने, मैं बस यूं गया और यूं आया। हैप्पी बर्थडे विक्की। अरे Oh my God. मैंने कहा था ना, आज चाहे जो हो जाए, मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। Happy birthday, विक्की। हाय हाय, तुम विक्की कहती हो ना? और क्या क्या अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है तुम्हारा ये पागलपन। वैसे क्या कह रहा, तुम बहुत सारी बातें जैसे हम करते थे, हम लोग मस्ती करते थे। हेलो जानू, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, चॉकलेट केक लाऊं या पाइनएप्पल? अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि चॉकलेट बेटर रहेगा। और हाँ, कब आ रहे हो घर, कितना टाइम हो गया? बस 15-20 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, ओके बाय। अरे यार, ये आएगा और आधा घंटा बोर करेगा सच में। ये तो तुम्हें बोर होने की क्या जरूरत है, तुम आराम से लेटे रहो, मैं कह दूंगी कि विक्रम बेखबर होके सो रहा है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। बहाना बनाने में ना कॉलेज से एक्सपर्ट हो तुम, अगर रिद्धिमा से शादी नहीं करते तो मुझे इतने बहाने नहीं बनाने पड़ते। एक्सक्यूज मी, आपके माँ बाप भी राजी नहीं थे, पता नहीं यार उनको मुझसे क्या बैठता है। सच में यार। अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, वो छोड़ो, जो हो सकता है उस पे कॉन्सेंट्रेट। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, जो बीत गया सो बीत गया, है ना? तुम रुको, मैं देखता हूं। क्या हुआ? मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, पर वो खत रखने वाले इतना शातिर निकला, खत भी डाल दिया, पकड़ा भी नहीं गया। 5 दिन बाद याद रखना। आप कौन है? ये प्रताप, मैं इस घर के मालिक। ओके मिस्टर प्रताप, ये लेटर आपके पास कब से आ रहे हैं? ये पिछले 8 दिन से आ रहे हैं। अब तक जितने भी लेटर आए हैं वो हैं आपके पास? जी, मेरी वाइफ ने संभाल कर रखे। दिखाइए। जा विक्रम, अवंतिका से वो लेटर ले। ये आपके साथ ही रहता है? नहीं सर, वो मेरे कॉलेज का दोस्त, बीच बीच में कभी यहाँ आता जाता है। अवंतिका, मुझे लेटर्स आते थे ना, सारे लेटर्स मुझे दो। क्यों, क्या हुआ? पुलिस आई और उनको देने। पुलिस आई है? हाँ, मैंने बुलाया उनको। हाँ, अभी देती हूँ। ये लीजिए इंस्पेक्टर सर।
इन्हें आप अपने पास रखिए, इनमें से एक लेटर मैं अपने पास रख लेता हूँ। और ओके मिस्टर प्रथम, होशियार रहिएगा। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए मुझे भी बताएगा कि वो क्या रहा है। दादी कुछ नहीं, वो बस मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था उस खत वाले के बारे में, पर वो आज आया नहीं, अगर आता तो आज पकड़ा जाता। तो अच्छा कि अब पकड़ा जाएगा वो कब। और बस एक बार वो पकड़ा जाए, सुकून से मैं शाम को घर जा सकूंगा वापस। तो आज शाम को जा रहा है? हाँ यार, रात की 11 बजे की ट्रेन। दादी डर के मार क्या करने जाती है? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, वो डॉक्टर ने मुझे कहा है ना रोज चलने के लिए, तो बस मैं रोज सुबह सवेरे सैर करने के लिए निकल जाती हूँ। और क्या आपको सुपर हीरो की मूवी दिखाऊंगा, वो भी आज। लेकिन मुझे माफ करना, मेरी सारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। ले भैया, हमारे पापा के तो सारे अपॉइंटमेंट फिक्स है, इसलिए हमारा प्रोग्राम तो हो गया कैंसिल। बताओ अकेला मैं आपको कैसे ले जा सकता? अरे अकेले क्यों, अवंतिका को साथ ले जाना। अच्छा चल, अब जल्दी से केक काट और हम सबको खिला। Okay. चल हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी कहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। भेजा था सबको सिनेमा देखने के लिए। अरे दादी लेकिन शो तो 2 बजे का था और अभी 10 बज रहे हैं, और वैसे भी विक्रम की 11 बजे की ट्रेन है। मुझे क्या पता, तुम लोगों की बातें तुम ही जान। हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विक्रम की 11 बजे की ट्रेन है। ठीक है। क्या हुआ? अरे दादी वो बस आ रहे हैं, रास्ते में ही। अपनी आंखें खुली रखा कर, वरना रास्ते भटकते वक्त नहीं लगता। बस भी करो अश्विन, कितना तंग करोगे। चलो जाओ दादी के पास जाओ, उनको जाकर सुपरमैन की कहानियां सुना जाओ। यार तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, 2 बजे के शो में 10 बजे घर आ रहे। यार तूने कभी बताया नहीं भाई, अवंतिका को ना शॉपिंग की बीमारी है। हाँ, जैसे सारी शॉपिंग मैंने की है ना अकेले। नहीं नहीं यार, वो दिमाग की फरमाइश थी इसलिए लेके जाना था, और अगर लेके नहीं जाता तो भाई घर में एंट्री नहीं है। तेरी ट्रेन कितने बजे की? यार वही बस 10:30 बज गए यार, 11 बजे की ट्रेन है। अरे बैग, मैं जल्दी से अपना बैग पैक करता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। चलो खाना खा लेते। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे लगा तुम लोग आ जाओगे तो साथ में खा लेंगे। नहीं, हम लोग तो खाना खाकर आए, बहुत भूख लग गई।
अब मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। चलो यार मैं निकलता हूँ यार। बाय विक्रम। चलो यार टेक केयर। बाय, ध्यान से जाना। सुपर हीरो की तरह जंप करके दिखाओ। सुपर हीरो जंप नहीं करता, फ्लाय करता है। ऐसे। ये। मम्मी सही कहती थी, तूने मम्मी को बहुत तंग किया होगा। नहीं मैंने मम्मी को तंग नहीं किया, विक्रम अंकल मम्मी को तंग कर रहे थे। अच्छा विक्रम अंकल तंग कर रहे थे, और तूने तो कुछ किया नहीं होगा है ना? विक्रम अंकल मम्मी को बार बार इधर 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 किस कर रहे थे। कहा तूने विक्रम अंकल मम्मी को किस कर रहे थे? हाँ और मम्मी भी कुछ नहीं कह रही थी। प्रथम खाना खा। हरश्मि जाओ दादी के साथ जाके सो जाओ। चलो हर अच्छा गुड नाइट। प्रथम मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम खाना खा लो। उठो। पता है प्रथम आज लेटर नहीं आया। अब आएगा भी नहीं। हाँ शायद वो पुलिस के डर से भाग गया है। 13 दिन की धमकी दी थी ना, 13 दिन में सिर्फ 4 दिन बाकी है और अभी से भाग गया। भले ही लेटर आना बंद हो गया है पर डर लगता है, पता नहीं 4 दिन बाद क्या होने वाला है। Thank you.
क्या मजाक है? पागल हो गए हो क्या? तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। ये आज फिर आया, क्या लिखा है इसमें? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अवंतिका। यानी कि ये सब लेटर्स तुम डाल रहे थे, मगर कैसे? तुम तो हमेशा हमारे साथ रहते थे। मैं रोज सुबह दूध वाले के आने से पहले लेटर डाल देता था। और उस दिन जब विक्रम ने दूध वाले को पकड़ लिया था, तो दरवाजा बंद करते वक्त मैंने अपनी जेब से निकालकर चुपके से नीचे डाल दिया था। और वो पुलिस के सामने भी तुम नाटक कर रहे थे? नहीं, जब विक्रम तुम्हारे पास लेटर लेने के लिए आया था, तब मैंने इंस्पेक्टर को सब बता दिया था। सर, दरअसल ये लेटर मैं डालता हूँ। 5 दिन बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो तो बीच में विक्रम आ गया और वो घबरा गया और उसने आपके पास कंप्लेंट कर दी। आई एम सो सॉरी सर, आप लोगों को तकलीफ हुई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? प्रूफ क्या करना चाहते? इतना सब ड्रामा, ऐसे कोई सरप्राइज देता है क्या? 13 दिन तक मैं मर रही थी और तुम्हें सरप्राइज देने की सोच रही थी। सब कुछ एक सरप्राइज देने के लिए, और इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा सरप्राइज का नाटक करके तुम मेरे लिए क्या लाए? फूल! सॉरी अवंतिका, मुझे लगा था कि 2 या 3 लेटर्स के बाद तुम समझ जाओगी कि 13 जुलाई के दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और तुम्हें टेंशन में देख के मैंने कई बार तुम्हें याद दिलाने की कोशिश भी की। इन लेटर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। आज से ठीक 8 दिन बाद, यानी 13 जुलाई, आखिर क्या होने वाला 13 जुलाई को? और उसके बाद मैंने तुम्हें फिर से याद दिलाने की कोशिश की। अवंतिका, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? क्या कुछ खास? खास? अरे हाँ, कल विक्रम का बर्थडे है। लेकिन तुम्हें विक्रम का बर्थडे याद रहा, मगर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं। हाँ, मैं भूल गई एनिवर्सरी। तो कौन सी आफत आ गई? ये कौन सा ढंग है तुम्हारा ये सरप्राइज देने का? सरप्राइज तो ऐसे दे रहे जैसे सोने चांदी से लाद दोगे मुझे। सोने चांदी का तो पता नहीं, लेकिन एक हीरे की अंगूठी खरीद कर रखी थी तुम्हारे लिए। प्रथम, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो, ये 3 लाख की है और फ्लॉलेस है। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है, क्योंकि तुम भी इसी की तरह फ्लॉलेस हो, बेदाग हो ना? हाँ हाँ, मगर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? उस दिन जब तुम्हें लगा था कि मेरी डील नहीं हुई है, तो मेरी 20 लाख की डील हो चुकी थी, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा था कि आज के दिन तुम्हें सारी खुशखबरी दे दूंगा। मुझे हैरानी इस बात की है प्रथम, कि तुमने इतने दिनों तक ये बात मुझसे छुपा कर रखी। और मुझे हैरानी है कि एक एक दिन याद दिलाने के बाद भी तुम्हें ये याद नहीं रहा कि आज के दिन हमारी शादी हुई थी। सॉरी प्रथम, मुझे माफ कर।
सीरियसली आई एम वेरी सॉरी। अभी एक और सरप्राइज बाकी है। एक और सरप्राइज? तुम कर क्या रहे हो? अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मैं इतना सरप्राइज होल्ड नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। पर प्रथम, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब तुम मुझे एनिवर्सरी का सरप्राइज दे ही रहे थे, तो 4 दिन पहले लेटर्स रखना बंद क्यों किया? क्योंकि 4 दिन पहले मुझे पता चला कि विक्रम तेरा यार है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कुछ नहीं किया था, मेरा रास्ता भटक गई थी, चोट लगी है बेचारे।